मदी दोस्त नाम, मैं हूँ आपका दोस्त अदीप जरूर। आज मैं अपने जरा व्लॉग, आज का व्लॉग होगा कि विलेज में जो गर्मियाँ आजकल पड़ रही हैं, समर का मौसम है तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो इस वजह से गर्मी में ज़्यादातर रिसीव होते नहीं हैं, तो यहाँ पे लोग ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं या मोटरें लगाई हुई हैं। तो इस वो यहाँ का देसी स्विमिंग पूल है, तो उस पर मैं गर्मी ज़्यादा है। इससे पहले मैंने अभी वीडियो ख़त्म की है वो पौधों वाली, तो पौधे लगाए तो गर्मी लग रही है, तो मैंने सोचा अगला व्लॉग भी बना लेता हूँ देसी स्विमिंग पूल का। तो चलिए आपको दिखाते हैं। वो थोड़ा नचो बच्चा जो उसका बनाया, वो थोड़ा बड़ा बनाया होगा, तो वो एक टाइप का हमारा स्विमिंग पूल ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो इस ट्विटर में थोड़ी कोई ख़राबी है, इसलिए ये बंद पड़ा है। तो ये पिछले सीज़न का पानी इसमें लगा हुआ है, तो पानी गंदा हुआ हुआ है, बाकी फिल्टर चल रहे हैं। ये है फिल्टर इंजन, ये इसका यानी मेन काम है। ये यहाँ से इसका पटा होता है वो नीचे है, और नीचे बोर हुआ हुआ है, वहाँ से पानी खींचता है ये, और यहाँ से अंदर इसके अंदर पानी फेंकता है। इससे आगे फिर हम अपनी फसलों पर लगा लेते हैं पानी। यहाँ से हम एक लगाते हैं वो गेड़ा होता है, वो लगाते हैं, गेड़ा लगा के यहाँ से रीसेट करते हैं, और धुआं निकलता है और पानी आ जाता है। और इस तरफ मेरे चाचू का बाग है, ये हमने मोटर लगाई हुई है। यहाँ हमारे केले थे, यहाँ अंडे तक हमने थोड़े यहाँ से उखाड़ दिए थे, क्योंकि सुनने में यह था कि इसके अंदर सांप होते हैं, तो ये थोड़ा दूर कर दिए। और ये हमारी मोटर है, अभी इतने जो गर्मी ज़्यादा है ना, तो लोग इधर से नहा नहा के जा रहे हैं। इधर उच्च बच्चा हमने बड़ा बनाया हुआ है, आगे पानी लगा। इधर अभी धान की फसल काश्त करनी है, वीडियो थोड़ी लेट आएगी, अब तो ये धान की फसल काश्त कर दी जाएगी। बच्चा बड़ा तो बच्चे आ रहे थे, नंगर छोड़े हुए हैं अपने, इस पर मेरा घर है। जूती का चेक करें और मेरे पाँव का चेक करें, शहरों में फिर यही होता है। अभी मैं इस इंतजार कर रहा हूँ, मेरे चाचू आ रहे हैं, मोबाइल काट के वीडियो बनाएंगे, मोबाइल ख़राब ना ना हो जाए। अभी एक टांग अंदर की है और पानी बहुत ठंडा है। आगे इस पाली को लगा हुआ था पानी, तो अब इस पाली को पानी लगाते हैं, ये सूख रही है, पौधा लगा हुआ तो ये नक्का बंद कर रहे हैं, हो गया। मैं नहा के आधा घंटा लगा, फुल मज़ा आया यार, चस आ गई है नहाने की, बहुत मज़ा आया। तो अभी हमारा ट्रैक्टर वाला आगे, जो पहलियाँ पहले थी वो उनमें धान की फसल लगानी थी, तो ट्रैक्टर आ गए, वो अभी उसको वाएगा, फिर उसके अंदर पानी छोड़ के कद्दू कर लेंगे, निकाद कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ट्रैक्टर आया,
तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब मास्टर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।